दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि कभी ना खराब होने वाली शहद मधुमक्खी से आखिर बनती कैसे है, और इन्हें फैक्ट्री में बनाकर या मिलावट करके हमारे आसपास की दुकानों में कैसे भेज दिया जाता है। अगर ये बात आपको पता नहीं है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्रियों में हनी को कैसे बनाया जाता है। साथ ही हम आपको ये दिखाएंगे कि असली शहद और नकली शहद की पहचान कैसे की जाती है। तो इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को ऑल पर जरूर से सेट कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले शहद बनाने के लिए लकड़ियों में मधुमक्खी को जमा किया जाता है और उन्हें 3 से 4 महीने तक लगातार चीनी खिलाया जाता है। हालांकि बाकी मधुमक्खियां फूलों से रस निकालकर शहद को बनाने का काम करती है, पर शहद के लिए मधुमक्खियों को इतना मेहनत ना करना पड़े, इसलिए कंपनी वाले शहद को बनाने में ज्यादातर इसी प्रोसेस को यूज किया जाता है। दोस्तों, 3 से 4 महीने बाद जब ये शहद मधुमक्खियों द्वारा पूरी तरह तैयार कर लिया जाता है, तब एक आदमी अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर उस लकड़ी को निकालने का काम करती है। फिर हनी के ऊपरी वाले वेस्ट पार्टिकल को चाकू से काटा जाता है। ये काम करने से पहले चाकू को गर्म पानी में डालकर खौलाया जाता है और इन्हें गोल जैसे दिखने वाले मशीनों में डाला जाता है। फिर उस मशीन को जोर से घुमाया जाता है और ये काम 3 से 4 घंटे लगातार चलती है। ये प्रोसेस हो जाने के बाद लकड़ी में लगी सारी हनी नीचे मशीन में चली जाती है। फिर इन्हें उस मशीन से निकाल लिया जाता है और फिर हनी को डब्बों में भरकर फैक्ट्रियों में सप्लाई कर लिया जाता है, जहां फैक्ट्रियों में बोतल को लाकर उसमें हनी भरने का काम किया जाता है और उसके ऊपर मशीनों से कैप को लगाकर ऊपर से डाबर हनी की बैजिंग लगा दी जाती है। फिर इसे डब्बों में पैक करके हमारे आसपास की दुकानों में भेज दिया जाता है। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि रियल और फेक हनी में डिफरेंस कैसे पता करें। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में रियल हनी और राइट साइड में फेक हनी को लिया जाता है। उसके बाद दोनों में एक स्टिक डालकर निकाला जाता है। अब देखेंगे कि रियल हनी वाले स्टिक से शहद लगातार गिरता है, जबकि फेक हनी में बूंद बूंद करके शहद गिरता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर बने रहे, लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।